तो भाई लोगों कैसे हो। तो स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आप देख रहे हैं मेरा चैनल केयर फॉर यू। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और नई रेमेडी लेकर आया हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ घरेलू नुस्खे जिससे आप अपने सर दर्द को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं, चाहे आपके डेली सर में दर्द होता हो या फिर दो दिन में या फिर हफ्ते में। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे नुस्खे बताऊंगा जिससे आप अपने सर का दर्द खत्म कर सकते हैं। तो सर में दर्द होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि ज़्यादा देर धूप में रहना, ज़्यादा देर तक सोना या फिर कम सोना, या फिर पूरे दिन लैपटॉप, मोबाइल या फिर पीसी के अंदर गुजार देना। तो इन वजहों से भी फ्रेंड्स हमारा सर के अंदर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए मैं आपको कुछ नुस्खे बताता हूँ जिससे आपके सर के दर्द में कुछ राहत मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। इस टाइम सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं इस टाइम वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। हमारा पहला उपाय है, अगर आपके सर के अंदर दर्द हो रहा है और शदीद आपके सर के अंदर वो दर्द होता ही जा रहा है जो आपसे बर्दाश्त भी नहीं हो पा रहा, ऐसे में आप अपने रूम की सारी लाइट ऑफ कर दीजिए, अपने मोबाइल को आप साइड में रख दीजिए कुछ देर के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपको लेनी है बर्फ, और उस बर्फ को आप किसी टॉवल के अंदर डाल लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स वो टॉवल आपको अपने सर के ऊपर रखनी है। इस तरह आप 3 से 4 मिनट इस बर्फ को अपने सर के ऊपर रखा रहने दें। तो इसके बाद फ्रेंड्स आप अपने घर में किसी की सहायता ले सकते हैं जो आपका 1 से 2 मिनट सर दबा दे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको दोबारा से वो बर्फ अपने सर के ऊपर रखनी है, और 2 से 3 मिनट बाद वो बर्फ हटा लेनी है, उसके बाद अपना सर फिर दबवाना है। तो इसी तरह फ्रेंड्स आप 3 से 4 बार इस नुस्खे को आजमाएं। 4 बार अपने सर के ऊपर बर्फ रखवाएं और 4 बार आप किसी से दबवाएं। आपको तुरंत इससे राहत मिलेगी। आपके जो सर में दर्द हो रहेगा शदीद, वो दर्द अब धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ये था आज हमारा उपाय नंबर पहला। अब मैं आपको बताता हूँ उपाय नंबर 2। तो इस उपाय के अंदर आपको लेनी है 7 से 8 लौंग, और उसे तवे के ऊपर हल्का हल्का रोस्ट कर लेना है। फ्रेंड्स आप 1 से 2 मिनट इसको रोस्ट करें, और रोस्ट करने के बाद फ्रेंड्स आप उसे चबा लें। तो आप चबा के चाहे ऊपर से पानी पी लीजिए, लेकिन आपको वो 7 से 8 लौंग खानी ही खानी है। उसके बाद आप थोड़ा सा पानी पी सकते हैं। तो इसके इस्तेमाल से भी आपके सर दर्द में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। तो चलिए मैं आप बताता हूँ उपाय नंबर 3। तो इस उपाय में आपको निकालना है प्याज का जूस, और प्याज का जूस निकालने के बाद फ्रेंड्स आप अपने माथे के ऊपर लगाएं, और नीचे आप अपने पैरों में तलवों में इसकी मसाज करवाएं। तो फ्रेंड्स आप किसी से अपने पैरों की मसाज करवा सकते हैं। तो ये मसाज आपको 5 से 10 मिनट करवानी है। आपको अपने माथे के ऊपर प्याज का रस लगाना है, और उसके बाद लगाना है अपने पैरों के नीचे अपने तलवों में, और इसकी इस तरह मसाज करवानी है जूस लगवा के। तो इस तरह फ्रेंड्स आप 5 से 10 मिनट इसकी मसाज करवाएं। आप देखेंगे कि आपके सर के दर्द में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ उपाय नंबर 4। इस उपाय में आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो ज़्यादातर लोगों के सर में दर्द होता है तो वो कॉफ़ी या फिर चाय का सेवन करते हैं, तो मैं इसके बदले आपको दूसरी चीज़ करने के लिए बोलूँगा। फ्रेंड्स आपको लेने हैं 10 से 12 तुलसी के पत्ते, और उसको आप एक कप के अंदर डाल लीजिए, और उस कप के पानी को फिर आप एक भगोने के अंदर डाल के उबाल सकते हैं 5 से 10 मिनट। तो जब वो अच्छी तरह उबल जाए तो फ्रेंड्स आप उसे छान के उसका जूस पीजिए। इससे आपके सर के दर्द में बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। इतनी राहत आपको चाय और कॉफ़ी भी नहीं देगा जितना ये तुलसी का पानी आपको राहत देगा। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ उपाय नंबर 5। इस उपाय में फ्रेंड्स हमें करना क्या है। इस उपाय में हम लेंगे 1 कप दूध, और उसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 चम्मच हल्दी, और इसके बाद हम 5 मिनट के लिए दूध को उबाल लेंगे। और उबालने के बाद फ्रेंड्स हम इस दूध को पियेंगे, और दूध पीने के कुछ देर बाद ही आपको राहत मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स हल्दी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, आपके दर्द में काम आती है, चाहे आपके चोट लग रही हो या फिर कहीं भी अंदरूनी दर्द हो। तो फ्रेंड्स हल्दी उन सब दर्दों को मिटा देती है। तो आपको इसका सेवन कितनी बार करना है, आपको 1/2 घंटे में 2 बार हल्दी वाला दूध पीना है। आप 1-1 कप 1/2 घंटे में पीजिए, इससे भी बहुत जल्दी आपको राहत मिलेगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ उपाय नंबर 6। तो इस उपाय में आपको पीना है बहुत सारा पानी। तो फ्रेंड्स हमें कितना पानी पीना है, तो हमें 1 घंटे के अंदर अंदर 2 लीटर वाली बोतल जो होती है कोल्ड ड्रिंक की, उसे पूरा पीना है। तो फ्रेंड्स उसके अंदर हम क्या डालें, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो उसके अंदर हमें डालना है इलेक्ट्रोल। आपने इलेक्ट्रोल का नाम तो सुना ही होगा, जो केमिस्ट शॉप पे मिलता है। तो फ्रेंड्स वो इलेक्ट्रोल का पैकेट आपको 2 लीटर की बोतल के अंदर डालना है, और उसके बाद फ्रेंड्स आपको वो पानी पीना है। उस पानी में फ्रेंड्स इतनी ताकत होती है जो आपके अंदरूनी दर्द होते हैं तो वो उन सबको दूर करती है, और आपके सारे दर्दों में काम आती है। तो फ्रेंड्स ये थे मेरे आज के कुछ उपाय। तो इस वीडियो में मैंने आपको 6 उपाय बताए फ्रेंड्स। आप इन 6 में से कोई से भी उपाय अपना सकते हैं। इन सब उपाय में आपको सर के दर्द में राहत मिलेगी, चाहे आपका सर का दर्द डेली होता हो या फिर 1 हफ्ते में होता हो, 1 महीने में होता हो, 3 महीने में एक बार होता हो। आप इन घरेलू उपाय को आजमाएं और मुझे आप बताएं।
तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, क्योंकि इस टाइम 4 बज रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो चलिए फ्रेंड्स अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।